नौबस्ता थाना क्षेत्र के हसमपुर इलाके में बदमाशों और पुलिस के बीच हुई मुठभेड़ में दो लुटेरों और एक दरोगा हुआ घायल। चेकिंग के दौरान पुलिस को देख बदमाशों ने शुरू की थी फायरिंग। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाश के पैर में लगी गोली। पकड़े गए लुटेरों ने कानपुर दक्षिण के कई क्षेत्रों में लूट की घटना को दिया था अंजाम। बदमाशों के पास से बरामद हुए दो तमंचे और लूटी गई चेन। पकड़े गए लुटेरों राजू और राहुल के खिलाफ दर्ज है कई आपराधिक मामले। ये पूरा मामला हम आपको नौबस्ता थाना क्षेत्र के हसमपुर पुलिया नंबर 2 इलाके का बता रहे हैं। देखिए, आप सभी ने कुछ दिन पहले एक वीडियो इंटरनेट के माध्यम से देखा होगा जिसमें कि थाना नौबस्ता क्षेत्र में एक वृद्ध महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी। उसके अलावा बर्रा थाने में भी एक इसी तरह से चेन स्नैचिंग की घटना हुई थी जिसके अनावरण के लिए ACP नौबस्ता के निर्देशन में टीम का गठन किया गया था। इस टीम को कल रात को सफलता मिल गई है और दोनों जो शातिर चेन स्नैचर्स थे उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना नौबस्ता की टीम, साउथ जोन की सर्विलांस टीम और ACP नौबस्ता की टीम को बहुत शुभकामना दी गई है और CP सर के माध्यम से इस टीम को 50,000 का इनाम भी दिया जा रहा है। जी, कल पुलिस मुठभेड़ के दौरान ही इन दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। एक का नाम है राजू वर्मा और दूसरे का नाम है राहुल शर्मा। दोनों पर काफ़ी ज़्यादा चेन स्नैचिंग के मुकदमे हैं। एक अभियुक्त पर 12 मुकदमे हैं और दूसरे पे लगभग 1.5 दर्जन मुकदमे हैं। दोनों कई बार लखनऊ से जेल भी जा चुके हैं। ये दोनों लखनऊ के अभ्यस्त अपराधी हैं और क्योंकि लखनऊ से कई बार जेल जा चुके हैं तो अब ये लखनऊ के आसपास के जनपदों में लूट करते हैं। इससे क्या दक्षिण के अपराधों में कुछ अंकुश लगेगा? जी बिल्कुल, दक्षिण के अपराधों में अंकुश लगेगा और इसके अलावा हमने काफ़ी गश्त भी बढ़ाई है। हमारी कई प्राइवेट टीम्स सुबह और शाम गश्त पर रहती हैं जिससे कि इस तरह की घटनाओं को अवॉइड किया जा सके। उसी तरह की एक चेकिंग टीम ने ही इन दोनों अभियुक्तों को कल रात में गिरफ्तार किया है। उसकी अलग से अभी जानकारी की जा रही है क्योंकि ये लोग लाइव चेज में कल रात में पकड़े गए हैं तो इस पॉइंट पर अभी इन्वेस्टिगेशन नहीं की जा सकी है। अभी इस पर और अग्रिम जांच की जा रही है। इससे पहले भी ये लोग कई बार अन्य लोगों के साथ जेल जा चुके हैं तो ये एक बड़ा गैंग है जो कि अलग अलग टुकड़ों में काम करता है। इसमें से जो अभियुक्त राहुल शर्मा है वो पहले किसी और के साथ स्नैचिंग में ही जेल गया था। इस तरह से राजू वर्मा भी पहले दूसरे गैंग के साथ जेल गया था। इन दोनों की मुलाकात भी जेल में ही हुई थी, वहीं से इन दोनों ने ये स्नैचिंग का प्लान साथ में बनाया।